बुरा कब लगता है? तब बुरा लगता है जब हम किसी मूव के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, हमने उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं किया और हमारी कोई तैयारी भी नहीं थी और ना हमारा कोई इंटरेस्ट था, और उसके बाद में मूव आ जाए तो बुरा लगता है? नहीं, बुरा कब लगता है? जब हमने उस चीज़ के बारे में सोचा होता है, हमने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की होती है, हमने उस मूव के रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपनी वॉच लिस्ट में डाला होता है, और कभी कभी तो हमने वो प्राइस भी सेट करी होती है माइंड में कि इस प्राइस पे अगर ये आया तो इट वुड बी अ वेरी गुड बाय। सो हमारी प्रेपरेशन होती है, हमारी डिज़ायर होती है और हमारा इंटरेस्ट होता है, इसकी वजह से हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस मूव की तैयारी करते हैं। और बुरा तब लगता है जब वो मूव आने के बाद में हम कोई एक्शन नहीं लेते। Why? Isn't it stupid? But it happens, and it happens due to overthinking and negative thinking. जब रियल में वो चीज़ हो रही होती है और हमें मौका मिलता है एंट्री मारने का, तब हम रीजंस ढूंढने लग जाते हैं कि वो क्यों वर्क नहीं करेगा। Why? Because of risk averse behavior, because of a casual attitude, or because of, you know, somewhere a negative state of mind, a negative approach, and then हम इस level पे चले जाते हैं कि हमें ये तक पता होता है कि this is the price, इसमें हमारा risk कितना था और यहाँ से हमारा reward कितना हो सकता है, but उसके बाद में भी हम reasons ढूँढने लग जाते हैं कि ये क्यों work नहीं करेगा और क्यों वर्क करेगा और हमें क्या ये दे सकता है। उसकी बजाय हम ये सोचते हैं कि ये क्यों वर्क नहीं करेगा, बट वाई? अगर नहीं भी वर्क करेगा तो वी नो वॉट वी कैन लूज। एंड द मोस्ट हिलेरियस पार्ट इज, कभी कभी तो हमें ये भी पता होता है कि हमारे अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें कॉल लेना है और हमें पता है कि ओके, मार्केट गिर तो नहीं रहा है, बट हमें ये नहीं पता होता कि कितना ऊपर जाएगा, और हम ये रीज़न देने लग जाते हैं खुद को कि नहीं, ये इतना ऊपर तो नहीं जाएगा, अब इतना ऊपर चला गया है तो और ऊपर तो नहीं जाएगा। मतलब हम मार्केट को लिमिट करने लग जाते हैं, हम हमारी थिंकिंग, हमारी लिमिटेड मेंटालिटी की वजह से मार्केट को लिमिट करने लग जाते हैं। और जब हमें श्योरिटी होती है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो भी हम ये सोचते हैं कि नहीं और ऊपर तो नहीं जाएगा, या ये अभी महंगा हो गया है। आई मीन रिडिक्यूलस थॉट्स। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से हम पूरा का पूरा मूव गवा देते हैं, एंड दैट इज़ द सिकेस्ट पार्ट, दैट इज़ द मोस्ट हर्टफुल थिंग। कि जो चीज़ हमने प्लान करी होती है, हम अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से उस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, और कभी कभी वो दर्द, वो फोमो, यू नो, वो लॉस, मेंटल लॉस, हमारी मेहनत का लॉस, हमारे टाइम का लॉस, जिस मूव में हम नहीं थे, जो हमें इतना कुछ दे सकता था, उसको गवाने का लॉस हमें गलत ट्रेड्स में पहुंचा देता है, हमारे माइंडसेट को ख़राब करता है, जिसकी वजह से हम उस प्रॉफिट को लेने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं, वो ट्रेड्स लेने लग जाते हैं जो हमारा प्लान भी नहीं था, और अल्टीमेटली हमें लॉस होता है। तो जब बुरे ट्रेड करके ही लॉस लेना है तो अच्छे ट्रेड करके लॉस का चांस लो ना, कम से कम तब बुरा तो नहीं लगेगा इतना, कि एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन रहेगा कि जो चीज़ मैंने सोची थी, जो मेरा प्लान था, मैंने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, ना कि ये कि लॉस बचाने के लिए, रिस्क ना लेने के लिए जो मेरा प्लान था उसी को मैंने गवा दिया, और उसके बाद में अनप्लान्ड ट्रेड्स, अनप्लान्ड एक्शंस लेने लग गए बिना सोचे समझे, और उससे अगर लॉस हुआ तो उस लॉस को कवर करने के लिए और अनप्लान्ड एक्शंस लेने लग गए और पूरा गेम ख़राब कर दिया। पहले आपको ये पेन था कि आपने इतना बड़ा प्रॉफिट गवा दिया जो ट्रेड आपने नहीं लिया उससे, और अब आपने और एक पेन ऐड कर दिया
लॉस का, जिस लॉस को आप बचाने गए थे उसी लॉस को अपने ऊपर लेने का, और अब आपका कैपिटल भी कम हो गया है तो आप नेक्स्ट ट्रेड में भी रिस्क लेने के लिए डरोगे, एंड दैट इज़ अ विशियस साइकिल।